नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पे आप लोगों को नीम के बारे में, जैसा आप देख रहे हैं हमारे बगल में नीम का पौधा है छोटा सा और नीम के कोमल कोमल पत्तियां हैं, बहुत ही आयुर्वेद के क्षेत्र में इसका बहुत ही मतलब उपयोगी सिद्ध हुआ है और उपयोगी अभी सिद्ध हो रहा है जीवन में। ये नीम के पत्तियों से लेकर के इसकी जड़, इसकी छाल, इसके तने सारे ही आयुर्वेद के क्षेत्र में औषधियों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नीम की महिमा इसी बात की सिद्ध हो जाती है कि लोग कहते हैं या कहावत है कि नीम आधा हकीम, मतलब आधा नीम हकीम होता है। जिसके घर पर, जिसके द्वार पर अगर नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ लगाया है, तो वो समझ लीजिए आधा निरोगी वैसे ही अपने आप हो जाएगा। ये नीम का पेड़ जहाँ होता है उसके आस पास कोई भी बैक्टीरिया वायरस पनपने नहीं पाता है बंधुओं। और ये नीम की जो कोमल पत्तियाँ, अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें नीम में कोमल कोमल पत्तियाँ निकलती हैं, इन पत्तियों का साग बना के अर्घ खाया जाए, चटनी बना कर खाया जाए, तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और कहते हैं कि पूरे साल जैसे पेट में आपको कोई कृमि है, कोई कीड़ा है, तो वो कीड़ा या कृमि भी नीम की पत्तियों कोमल पत्तियों खाने से उनका नाश हो जाता है। और इन नीम की पत्तियों को खाने से अगर आप नित्य नियमित महीना दो महीना इन नीम की पत्तियों का सेवन कर रहे हैं, तो पूरे साल, मतलब जैसे ये नीम की आपका ये सावन का महीना आ रहा है, ये फिर दोबारा कोमल पत्तियां आएंगी, तब तक के लिए आपको कोई भी बुखार या कोई भी एलर्जी संबंधी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। नीम के जो निमोली होती है, नीम का जो तेल निकलता है, उससे तेल से भी बहुत सारे रोगों का उपचार किया जाता है। और जैसे किसी को घाव हो गई, या जानवर को आप देखे होंगे गांव में, या तो उनको बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, तो नीम का तेल लगाया जाता है। जिनसे जो कृमि होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो नीम के तेल लगाने से मर जाते हैं। तो ये नीम के अनंत फायदे हैं। इनके गिरी जो इनके फल होते हैं, फल निकलते हैं जो नीम के पौधों से, उनकी गिरी से, गिरी को सुखा करके तेल बनाया जाता है। और उस तेल का बहुत ही सारी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। जितने भी मित्रों वैद्य हैं या औषधालय हैं आयुर्वेदिक, वहाँ पर आप जाएंगे तो नीम का तेल अवश्य पाएंगे। नीम के तेल का तो इतना बेहतरीन और विशेष परिणाम है कि उसकी वर्णन करना हमारे लिए बहुत ही असंभव है। और दूसरा नंबर आता है इसकी जो डंठल है, ये नीम की जो छोटे छोटे पतले पतले तने हैं, गांव में, शहरों में तो नहीं, गांव में हर व्यक्ति सुबह उठकर के नीम का ही दातुन से अपने मुख को साफ करता है, जीभ की सफाई करता है। और नीम के और भी बहुत सारे फायदे हैं। नीम के मच्छर नहीं आते हैं, बैक्टीरिया वायरस वहाँ नहीं पनपते हैं। इसी मान्यता की वजह से मित्रों, इसी चीज़ की वजह से आज ग्रामीण एरिए में हर घर के द्वार पे, दरवाजे पे आप नीम का पेड़ पाएंगे। मैं तो अन्य कई गांवों में डाला हूँ, नीम का पेड़ है। हमारे खुद गांव में इतने सारे नीम के पेड़ हैं कि पूछिए मत। बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं। और नीम की ये पेड़ बिना किसी स्वार्थ के प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो मानव जाति को बहुत ही लाभकारी और हितकारी गुण प्रदान कर रहा है। इसी के साथ नीम की सुरक्षा करें और रक्षा करें, और इसे इनका पालन पोषण करते हुए जहां भी जमीन खाली है वहां नीम का वृक्ष लगाएं। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।